इन लोगों ने कैसा विधान बनाया था, इनके लोगों ने 3000 साल से चलना था। केवल एक पढ़ सकता है, केवल एक लड़ सकता है, केवल एक व्यापार कर सकता है और सब लोग उनकी सेवा करेंगे। मगर जब हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कलम चलाने का मौका मिला, संविधान बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सब पढ़ सकते हैं, सब IAS बन सकते हैं, सब PCS बन सकते हैं, सब जज बन सकते हैं, सब राजा बन सकते हैं, सब सब बन सकते हैं जो चाहता है, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। अम्बेडकरवादी ना आत्मा को मानते, ना परमात्मा को मानते, ना भगवान को मानते, ना किसी को मानते, बताओ ना। वो मानते हैं वास्तविक लोग हैं, वो ना नास्तिक है ना आस्तिक है, वो वास्तविक लोग हैं। वो विज्ञान को मानते हैं, वो तर्क को मानते हैं, वो न्याय को मानते हैं, समता को मानते हैं, स्वतंत्रता को मानते हैं, भाईचारे को मानते हैं। कहीं भूल मत जाना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी। कहीं भूल मत जाना माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी। कहीं भूल मत जाना बहन कुमारी मायावती का संघर्ष। कहीं भूल मत जाना उन लाखों करोड़ लोगों का संघर्ष जिन्होंने सड़क पर और संसद से लेकर हमारी आवाज़ उठाने का काम किया था। मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला नहीं चलेगा। आपको 101% बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करना पड़ेगा अगर इस देश में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात जिन्होंने नहीं मानी है वो परेशान है, और जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानी है उनके घरों में IAS हैं, PCS हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, सब हैं उनके घर में। और जिन्होंने नहीं मानी वो आज भी वही कर रहे हैं। ड्रॉप आउट तो होगा जब तुम्हें शादी के लिए कर्ज लोगे, लोगे ना शादी के लिए, बड़ी बड़ी दिखाओगे ना, बेटी की शादी में करोगे 25 लाख रुपये खर्च करके, मगर बेटी को 25 लाख रुपये करके पढ़ा नहीं सकते। उसको दारू पीने के लिए कर्ज लोगे, घर मकान बनाने के लिए कर्ज लोगे, देवी देवताओं पर जाने के लिए कर्ज लोगे, एजुकेशन के लिए कर्ज नहीं लोगे, क्योंकि एजुकेशन है नहीं। सबके घर में मंदिर बने पड़े, लाइब्रेरी किसके घर में बताओ ना। अरे जिस तुम्हारे बाबाओं बाबा के घर में 50,000 किताब थी ना, 50,000 की लाइब्रेरी थी, 50,000 किताबों की, तुम्हारे घर में कितनी लाइब्रेरी है? जिस समाज ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानना छोड़ दिया उस समाज का होना क्या है? नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं HNP न्यूज। आज जंतर मंतर पर जो संसद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति हटाई गई उसको लेके आज बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट सुजीत सम्राट। सम्राट जी, कैसे देख रहे हैं आज मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, जो मूर्ति है ये ऐतिहासिक मूर्ति है और ये दोबारा से वहाँ लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। लगभग 50 साल से ज़्यादा यहाँ लोग मनाते आ रहे हैं, और यहाँ हर 14 तारीख को, 14 अप्रैल को जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन होता है, तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और उस मूर्ति के वहाँ पर दर्शन करते हैं, मूर्ति के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ से प्रेरणा लेते हैं। ये जो हजारों सालों की व्यवस्था थी उसको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तोड़ा, उस व्यवस्था को तोड़ने के बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को हटाना ये सरासर गलत है। ये वहाँ पर लगनी चाहिए। आज ये जो बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है वो इसी बात का सबूत है कि यहाँ पर दिल्ली के नहीं, कानपुर के लोग, कहाँ कहाँ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, पूरे देश से लोग आए हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं जो मौजूदा सरकार ने किया है। देखिए वकील साहब, यहाँ ज़्यादातर संगठन तो वो चाहे वो इंडिया हो, चाहे NDA हो, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी, वो उनके समर्थक तो आए थे। देखिए ऐसा है, इनको पता लग जाएगा कि संविधान खत्म हो रहा धीरे धीरे, और BJP ने कहा है कि संविधान को खत्म करेंगे, 400 पार करा दीजिए, तो देश की जनता ने 400 पार नहीं कराया। मगर जो लाल किताब लेके संसद में घूम रहे थे, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, 1 अगस्त 2024 को एक ऑर्डर आया है कि सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए SC ST के अंदर, कोटे में कोटा होना चाहिए। तो अब कोई भी नहीं बोला, अगर कोई देश में बोला तो माननीय बहन कुमारी मायावती बोली है कि ये सरासर गलत है, ये फूट डालो शासन करने का एक नियम है। जैसे इन्होंने 2018 को 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 को डायल्यूट करने का काम किया था, फिर 2 अप्रैल को लाखों करोड़ लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया था, उसमें हमारे बच्चों को शहादत भी देनी पड़ी, लोगों को जेल भी जाना पड़ा, और जो लोगों को जेल जाना पड़ा आज भी चल रहे हैं काम, आज भी उनके मुकदमे चल रहे हैं। तो ये ऐसे नए नए तरीके से हमारे देश के संविधान को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, मगर वो लोग जो संविधान को बचाने वाले लोग कहाँ हैं आज? तो इसलिए ओरिजिनल होता है, नकली नकली होता है। तो इसलिए जो अपनी सरकार बनानी है तो अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने लोगों को मजबूत कीजिए। जब तक तुम अम्बेडकरवादी लोगों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक तुम अपने लोगों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। लेकिन वकील साहब एक चीज़ देखी है, जब जब वोट देना होता है तब तो NDA तमाम वो पार्टी दिखती हैं, लेकिन जब आपके हक और हकूक की बात आती है तो आप बहन जी की तरफ देखिए। देखिए
यही तो मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को, देश के लोगों को हम यही समझाना चाहते हैं, नौजवानों को यही समझाना चाहते हैं, ये झूठे लोग हैं, आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे ये लोग। अगर देश में एससी एसटी पर अगर कोई भी अत्याचार होता है, इस देश के मजलूम पर कोई अत्याचार होता है, इस देश के गरीब पर कोई अत्याचार होता है, इस देश की महिला पर कोई अत्याचार होता है, किसानों पर कोई जवाना नौजवानों पर कोई अत्याचार होता है, तो केवल अंबेडकरवादी लोग सड़कों पर होते हैं झंडा लेकर, संविधान लेकर, नीला झंडा लेकर, नीला झंडा बुलंद है। नीले झंडे का मतलब ही है संघर्ष करना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केवल दलितों के लिए नहीं किया काम, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को महान बनाने के लिए काम किया है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो इस देश का इतना महान इतिहास नहीं लिख पाते। इस देश का जो महान इतिहास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से लिखने का काम किया है वो कोई नहीं लिख पाता। इन लोगों ने तो गैर बराबरी की हमेशा से, इन लोगों ने कैसा विधान बनाया था, इनके लोगों ने 3000 साल से चल रहा था, केवल एक पढ़ सकता है, केवल एक लड़ सकता है, केवल एक व्यापार कर सकता है और सब लोग उनकी सेवा करेंगे। मगर जब हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कलम चलाने का मौका मिला, संविधान बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने कहा कि सब पढ़ सकते हैं, सब आईएएस बन सकते हैं, सब पीसीएस बन सकते हैं, सब जज बन सकते हैं, सब राजा बन सकते हैं, सब बन सकते हैं जो चाहता है, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। ऐसे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, न्यायप्रिय, समतावादी, समानतावादी, भाईचारेवादी हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच। इस सोच को हम भारत के अंदर स्थापित करना चाहते हैं और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो आइडिया ऑफ इंडिया है इस देश में स्थापित ना हो जाए। लेकिन लोग तो इस पूरे संघर्ष को, बाबा साहब के संघर्ष को भूलते जा रहे हैं। देखिए जो लोग भूलते जा रहे हैं हमारे जैसे लोग उनको याद दिलाते जा रहे हैं। हमारा काम यही है, 24 घंटे हम उनको याद दिलाते रहते हैं, कहीं भूल ना जाना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कुर्बानी, कहीं भूल मत जाना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानी, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, कहीं भूल मत जाना माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी, कहीं भूल मत जाना बहन कुमारी मायावती का संघर्ष, कहीं भूल मत जाना उन लाखों करोड़ लोगों का संघर्ष जिन्होंने सड़क पर और संसद से लेकर हमारी आवाज़ उठाने का काम किया था। जो लोग भूलना चाहते हैं हम याद दिलाना चाहते हैं, तो अब ये सच्चाई है कि भूलने वाले लोग ज़्यादा हैं, याद दिलाने वाले लोग कम हैं। तो इन्होंने तो कर दिया ना आर्थिक जो विषमता कर दी इन्होंने, आर्थिक गुलाम बनाने का षड्यंत्र जो कर रहे हैं वो बड़ा प्रॉब्लम हो रही है आजकल, तो हम लोगों को याद दिलाने का काम कर रहे हैं। साहब यहाँ पर वो लोग भी आए थे जो आरक्षण में जो अभी बंटवारा हुआ है उसका समर्थन भी कर रहे थे एससी एसटी आरक्षण का, और उसका विरोध भी करने वाले आए हैं, तो कैसे देख रहे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो सब क्लासिफिकेशन के बिल्कुल विरुद्ध थे। ये ऑर्डर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एससी एसटी बनाने का काम किया, 1200 से ज़्यादा जातियों को इकट्ठा करने का काम किया था, उनको तोड़ने का काम है ये। आपको रिजर्वेशन नहीं देने वाले, आपको ना तो आईएएस बनाने वाले, ना आपको पीसीएस बनाने वाले, ना आपको जज बनाने वाले, केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं आपको। एक जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा, मेरे बार पढ़ाई आपको देनी रहे, पढ़ाई खत्म कर रहे हैं, एजुकेशन खत्म कर रहे हैं आपकी, एजुकेशन को प्राइवेट कर रहे हैं और कहेंगे कि आपको आईएएस पीसीएस बनाएंगे। अरे पहले जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21A उसको तो पूरा कीजिए, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। कहाँ है भैया एजुकेशन? कैसे कबूतर उड़ गया, यह गधा पक गया, ये पढ़ा रहे हैं बच्चों पर, हिंदी नहीं पढ़ी जा रही है भाई, कैसे कंपटीशन करेंगे, कैसे कंपटीशन करेंगे, नहीं कर पाएंगे कंपटीशन। तो एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए, एक से एजुकेशन सबको। तो पहले सरकारी एजुकेशन को बर्बाद करके रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं दलितों की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले मूल मंत्र क्या दिया था? एजुकेटेड बनो, टू बी एजुकेटेड। आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। आपको जितने भी महापुरुष हुए हैं सबके शिक्षा की बात करी है, हम ना तो शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा के बाद ही तो आपको रोजगार मिलेगा, अगर आप शिक्षा नहीं लेंगे तो रोजगार कहाँ से लेंगे? तो आपको खत्म कर रहे हैं, प्लानिंग खत्म कर रहे हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। फिर हमने जिन लोगों को चुन के भेजा है संसद में, इतने हमारे सांसद बैठे हैं रिजर्वेशन से, वो तो आवाज़ उठा नहीं रहे कि मूर्ति वहाँ लगे, वो वहाँ पर मजे ले रहे हैं संसद में और क्या कर रहे हैं, उनका काम ही है अभी तक संघर्ष करा, मजे लेंगे एसी की? वहाँ पे एसी बहुत तेज चलता है ना, नींद आ जाती है एसी में, बहुत जल्दी नींद आ जाती है। गाड़ी एसी में, गाड़ी ऑफिस में, गाड़ी ठीक है ना, संसद में एसी, सब में एसी लगा हुआ है, तो भाई बाहर की जो धूप है समझ में नहीं आती उनको। तो इसलिए उन लोगों से उम्मीद करना, कुछ लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे नहीं आवाज़ उठा रहे हैं कुछ लोग, मगर ज़्यादातर लोग जो हैं वो दूसरी पार्टियों के गुलाम लोग हैं जो आवाज़ नहीं उठा सकते आपकी। सारा दलित मर जाए, सारा एससी एसटी मर जाए, सबके साथ अत्याचार हो, उनकी नींद नहीं हो, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। किसी ने कहा ना कि लंका में आग, सोने की लंका में आग लगा दी, पर मुझे लगता है कि भाई सोना तो जलता नहीं है, सोना तो नहीं जलता,
मगर जिस लंका में छः महीना तक लोग सोते रहेंगे, कुंभकर्ण जैसे लोग, तो उस लंका में तो आग लगनी है। जिस समाज में लोग सोए हुए होंगे तो उस समाज में, उस लंका में समाज में और उसमें लंका में आग लगेगी भैया। बदलाव तो हम इनको नींद से उठाने का काम कर रहे हैं। बदलाव होगा, आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों का भारत बनाना है तो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, बुद्ध के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला नहीं चलेगा। आपको 101% बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करना पड़ेगा अगर इस देश में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात जिन्होंने नहीं मानी है वो परेशान है, और जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानी है उनके घरों में IAS हैं, PCS हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, सब हैं उनके घर में, और जिन्होंने नहीं मानी वो आज भी वही कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चों को एजुकेशन दो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय 1912 में 1913 में वहाँ इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, उस समय वहाँ बाहर शिक्षा लेकर आए थे, बैरिस्टर बनकर, और आज सब कुछ होने के बाद भी अपने बच्चों को पढ़ाने के नहीं भेज रहे आप। 90 से 95% देने वाले लोग तुम्हें, 90 से ज़्यादा % का रेशियो ड्रॉप आउट का दलितों में। तो ड्रॉप आउट होगा ना भैया, ड्रॉप आउट तो होगा जब तुम्हें शादी के लिए कर्ज लोगे ना, शादी के लिए बड़ी बड़ी दिखाओगे ना, बेटी की शादी में करोगे 25 लाख रुपये खर्च करके, मगर बेटी को 25 लाख रुपये करके पढ़ा नहीं सकते, उसको दारू पीने के लिए कर्ज लोगे, घर मकान बनाने के लिए कर्ज लोगे, देवी देवताओं पर जाने के लिए कर्ज लोगे, एजुकेशन के लिए कर्ज नहीं लोगे, क्योंकि एजुकेशन दे नहीं, सबके घर में मंदिर बने पड़े, लाइब्रेरी किसके घर में बताओ ना। अरे जिस तुम्हारे बाबा के घर में 50,000 किताब थी ना, 50,000 की लाइब्रेरी थी, 50,000 किताबों की, तुम्हारे घर में कितनी लाइब्रेरी है। जिस समाज ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानना छोड़ दिया उस समाज का होना क्या है, आर्थिक गुलाम बनोगे आर्थिक गुलाम। भैया सुधर जाओ, सुधर नहीं सुधरोगे तो दोबारा आर्थिक गुलाम बनाने की रणनीति कर रहे हैं वो लोग। तो वही तो कर रहे, कावड़ों में सबसे ज्यादा तो यही है। अब तो जय भीम कावड़ आ गई, अब कौन कौन सी कावड़ चलाएंगे, मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ उस पर, मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। हम अपने लोगों को, नौजवानों को डिग्री लेके आना सिखाना चाहते हैं कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए, वो विदेशों से डिग्री लेकर आए, इस देश में अपनी बात को रखें, संसद में भी रखें, सड़क पर भी रखें, और हर किसी आदमी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। कावड़ लेकर नहीं होगा ये काम, ये डिग्री लेकर होगा, समाज की बात को रखने में होगा, बाबा साहब को, बुद्ध को, कबीर को, इन लोगों को पढ़ने को पढ़कर होगा। ये लोग आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड से, अमेरिका से, कोलंबिया से डिग्री लेके आओ, बच्चे तो आज के युवा तो जाके हरिद्वार से गंगा जल ला रहे हैं। जो ला रहे होंगे अम्बेडकरवादी कोई नहीं जाता, अम्बेडकरवादी कोई नहीं जा रहा, अम्बेडकरवादी डबल डिग्री लेके आ रहे हैं, अम्बेडकरवादी लोग तो इस देश में इनके नाक में दम कर रखा अम्बेडकरवादी लोगों ने। तो लगता है कि कुछ बदलाव होगा, सबका इलाज है, मनोवादियों पर सबका इलाज है, अम्बेडकरवादियों का इलाज नहीं है। अम्बेडकरवादी ना आत्मा को मानते, ना परमात्मा को मानते, ना भगवान को मानते, ना किसी को मानते, बताओ ना, वो मानते हैं वास्तविक लोग हैं वो, ना नास्तिक है ना आस्तिक है, वो वास्तविक लोग हैं, वो विज्ञान को मानते हैं, वो तर्क को मानते हैं, वो न्याय को मानते हैं, समता को मानते हैं, स्वतंत्रता को मानते हैं, भाईचारे को मानते हैं। लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जब अपने समय में जब ये सब कर रहे थे उन्होंने एक बात बोली थी, जो समाज है वो 3 लकीरों पे चल रहा है, एक लकीर वो है जो अम्बेडकर की बातों को मान रही है, दूसरी है जो मनुवाद की बात मान रही है, जो ब्राह्मणवाद की, तीसरी है जो किसी की बात को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो समाज में आजाद है जो तबका है वो इन्हीं लोगों का तो है। देखिए हमारे जैसे लोगों की ड्यूटी है, आप जैसे लोगों की ड्यूटी है, जो हजारों लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं समाज में, उनकी ड्यूटी है कि वो लोगों को समझाने का काम करें। ऐसे मत कहना कि भैया समझ ही नहीं रहे, नहीं, जब तक तुम रहोगे जब तक समझाता रहना पड़ेगा, लोगों ने कुर्बानी दी है, तो इसलिए हमारे जो भाई हैं उनको समझाना पड़ेगा और उस व्यवस्था से बाहर निकालकर अम्बेडकर वाली व्यवस्था में उनको लाना पड़ेगा। जिस दिन उनकी समझ में आ जाएगा उस दिन बात बन जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया है वो देखने को होगा कि अब जो मूर्ति है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संसद में मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी वो चर्चा का विषय है। देखते हैं, आज आंदोलन है, आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।